ओम शांति। बाबा कहते सोचना और करना साथ साथ चले, सोचने के बाद पुरुषार्थ ना करना पड़े। सोचा और हुआ, ऐसे जो अभ्यासी होंगे वह सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप, जो सोचा वही किया, जो लक्ष्य था लक्ष्य समान लक्षण धारण कर नंबर वन पद को प्राप्त किया। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, सोचने से पहले वेरीफाई कराओ, बोलने से पहले नहीं, सोचना है बीज, बीज को ही चेक कर लो तो फिर वाणी और कर्म स्वतः और सहज समर्थ होंगे। तो सर्वप्रथम बाबा की याद में रहना, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आना, तो सर्विस स्वतः और सहज होती रहेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो आज अमृत बेला में हम यही अभ्यास करेंगे, एक बाप की लगन में मगन होंगे, स्वमान लेंगे मैं एक बाप की, याद की लगन में मगन आत्मा हूं, मैं एक बाप की, याद की लगन में मगन आत्मा हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए यह स्वमान स्मृति में पक्का हो जाएगा और जब भी समय मिलेगा इस सीट पर पुनः सेट होकर इसका अभ्यास सेकंड में कर सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं सदा एक अविनाशी बाप की याद में, मगन रहने वाली एक बिंदु अविनाशी आत्मा हूं। मैं एक बल एक भरोसे के दृढ़ निश्चय का, व्रत धारण करने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक बाप की ही श्रीमत पर चलने वाली, श्रीमत का ही पालन करने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूं। मैं एक के स्नेह के रस में, रसपान करने वाली एक रस आत्मा हूं। मैं एक का ही गुणगान करने वाली,
सदैव गुणग्राही आत्मा हूं। मैं एक के ही साथ सर्व संबंध निभाने वाली, वफादार आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं मैं सदा एक के ही संग साथ का अनुभव करने वाली, एक के ही व्रत में रहने वाली एक व्रता आत्मा हूं। मैं एक ही ईश्वरीय परिवार के, एक लक्ष्य एक लक्षण को आधार बनाने वाली आत्मा हूं। तो अनुभव करें मैं एक बाप की याद की लगन में मगन रहने वाली, मन मनाभाव रहने वाली आत्मा हूं। मैं एक बाप की याद की लगन में मगन रहने वाली आत्मा हूं। मैं एक बाप की याद की लगन में मगन आत्मा हूं। मैं एक बाप की याद की लगन में मगन आत्मा हूं। मैं सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से, देखने वाली सदा शुभ संकल्प धारण करने वाली आत्मा हूं। मैं सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से, सदा ऊंचा उड़ाने वाला उड़ता पंछी हूं। मैं एक को ही संसार बनाने वाली,
एक से ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाली। एकादशी का अखंड व्रत धारण करने वाली आत्मा हूं। मैं सुबह आंख खोलते बाबा दिन की शुरुआत करते बाबा कर्म योगी बन हर कर्म करते एक ही साथी बाबा दिन समाप्त करते एक बाबा के ही लव में लीन होकर रहने वाली लवलीन आत्मा हूं। मैं एक की ही गोद में खेलने वाली एक के ही स्नेह में पलने वाली स्नेही आत्मा हूं। मैं सेवा करते संबंध संपर्क में आते अनेक में उस एक को देखते एक बाप एक परिवार एक की ही सेवा के निमित्त बनकर चलने वाली फरमान बरदार आत्मा हूं। मैं इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं हीरो पार्टधारी बनने के जीवन में पास विद ऑनर होने की जीवन में एक बाप को जानकर सब कुछ जानने वाली सर्व प्राप्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। तो अनुभव करें मैं एक बाप की याद की लगन में मगन आत्मा हूं। मैं एक बाप की
याद की लगन में मगन आत्मा हूं। मैं एक बाप की याद की लगन में मगन आत्मा हूं। मैं एक पारलौकिक बाप को जानकर उस एक की याद में सहज स्थित हो सकने वाली सहज योगी स्वतः योगी निरंतर योगी आत्मा हूं। मैं एक के महत्व को जान एक बाप की श्रीमत का पालन कर महान बनने वाली आत्मा हूं। मैं विस्तार को सार में समाकर अनेक को एक बिंदु में समाकर सहज ही निराकार स्वरूप में स्थित होने वाली निराकारी बिंदु आत्मा हूं। मैं एक की याद में रहकर जन्म जन्म के विकर्मों को भस्म करने वाली ज्वाला स्वरूप तपस्वी आत्मा हूं। मैं एक की याद के बल से सर्व आत्माओं के विघ्नों का विनाश करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं एक के कदम पर कदम रख एक को ही फॉलो करने वाली
कदमों में पद्मों की जमाई करने वाली। कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाली। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। तो अनुभव करें मैं एक बाप की याद की लगन में मगन आत्मा हूं। मैं एक बाप की याद की लगन में मगन आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं एक बाप की याद की लगन में मगन आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे और नए वर्ष में जनवरी मास में विशेष अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए रोज एक विशेष वीडियो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख चलने के लिए अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो उस वीडियो में बाबा के ज्ञान का मनन कर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को धारण कर नंबर वन आने का पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति।